आधार वैसे व्यक्ति जो खुद आरोपित हैं, जेल के दरवाजे पे खड़े हैं और जेल के अंदर हैं, अगर वैसे व्यक्ति अगर हम पे बेबुनियाद अगर कोई इल्जाम लगाए तो हम उसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने का। नंबर वन, कोविंद जी ने आपको बर्खास्त किया था। आप नंबर वन। नंबर टू, कोई भी केस तब प्रूफ होता है जब आपके पास चार्ज शीटेड हो या कोर्ट ने कुछ फैसला किया हो। ना हम अभी चार्ज शीटेड हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। अब इसके बारे में आप सोच लीजिए। दूसरी, और राज्यपाल ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई क्या गलत थी? दूसरी सुन लीजिए आप पूरी बातें। कार्रवाई जो की गई थी, हम ये नहीं कहते कार्रवाई जो, सुन लीजिए, जो 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 चीज हुआ है उसके बारे में सत्यता जान लीजिए, सत्यता उसके बारे में जान लीजिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें वाइस चांसलर को सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं करना होता है। कार्रवाई गलत हुई थी आपकी, सुन लीजिए आप मेरी बात है, आप सुन लीजिए, आप अपने बात पे पहुंच गए। जो सुशील मोदी आज आपके साथ हैं, जब आपके अपोजिट में सदन उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की थी, अब आप उस देखिए, सवाल होता है कि हो सकता है कि उनको किसी ने मिस ब्रीफिंग किया हो सुशील मोदी को। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो जो सत्यता थी उसको जानिए आप। ये सिलेक्शन की बात थी और वाइस चांसलर कहीं सिलेक्शन कमेटी में नहीं आते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक कमेटी एक्सपर्ट होता है और एक्सपर्ट डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये भी रिलेशन था क्वालिटी एजुकेशन का। अगर इफ यू वांट टू हैव ए क्वालिटी एजुकेशन, यू डेफिनेटली हैव ए गुड टीचर। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपकी पत्नी की जो घटना हुई थी उसमें भी आपकी संलिप्तता। अब आप उनसे पूछिए, विपक्ष के साथ अगर उनकी पत्नी भी इसी तरह मर जाए, क्या अगर हम उसके बारे में ये बात कहें तो उनको शोभा देगा? और जिस किसी ने ये बात कहा है उसके पास अभी आज लीगल नोटिस उनके यहाँ जा रही है और हम 50 करोड़ का मानहानि दावा ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपसे बात करने को तैयार है खुले मंच पर। बिल्कुल, अगर तेजस्वी यादव को वो बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन हम बड़े खुश होंगे अगर एक इन फ्रंट हमारे टेबल पे बैठ के एजुकेशन के बारे में बात करें। एजुकेशन के बारे में बात करें। आरोप आपके ऊपर गंभीर है। बिल्कुल आरोप नहीं है, बिल्कुल मेवालाल जी आपकी प्राथमिकता है। बिल्कुल, अब ये मेरी पहली प्रायोरिटी जो होगी, हमको ये देखना है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन में, मैंने कहा ना आपको, ग्रॉस इनरोलमेंट इंडेक्स के बारे में हमको इस पर सोचना है। आप देखेंगे 15 साल पहले हमारी शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज 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 कितने बच्चे 15 साल पहले बाहर रहते थे और कितने बच्चे आज बाहर रह रहे हैं। दूसरा, हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन तब होती है जब हमारे पास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो भी टीचर हो उनका भी नॉलेज अपग्रेडेशन की जाए। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ज्ञान वर्धन हमेशा होनी चाहिए। वैसे स्थिति में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोले गए हैं, उस ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को अगर जरूरत होगी तो रीओरिएंटेशन करने की, तो हम लोग हमारे ऑफिसर के साथ बैठ के हम लोग इस पे बातें करेंगे। और बात करने के बाद अगर सिलेबलाई में अगर कोई चेंजेस करनी है या अगर हम लोग फील करते हैं कि इसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है, वो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा, मेरा विचार सुनिएगा, जो हम अभी ये विचार अपने ऑफिसर्स के साथ बात करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। हमने सोचा है कि व्हाई नॉट वी शुड ट्राई टू स्टार्ट द कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम, और वैसा एजुकेशन प्रोग्राम जो सेल्फ जनरेटिंग प्रोग्राम होगा, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम होगा। समझिएगा बारीकी की का, हम कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह का एक कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जो सेल्फ जनरेटिंग एंड सेल्फ लर्निंग हो। बच्चों में, आप अगर गांव के रहने वाले हैं तो आजकल बच्चे आपस में यू नो क्विज का एग्जामिनेशन देता है और जो नॉलेज उनके पास है दे ट्राई टू क्रॉस ओवर द नॉलेज ऑफ अदर्स पीपल। तो इस तरह का अगर हमको
अगर हमारी सरकार और हमारे ऑफिसर के साथ ये बात करने पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, जो चौथी प्रायोरिटी होगी, जो आप लोग जानना चाहते होंगे, ये प्रायोरिटी जो सरकार की ऑलरेडी प्रायोरिटी सेट है, ठीक है, अपॉइंटमेंट की आप लोग ने, कुछ लोगों ने सवाल किया, हम लोग उस पर विचार करेंगे। हम लोग आज सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग करेंगे और फिर जो भी आएगा हम आपके पास पुनः फिर आपको बताएंगे। भ्रष्टाचार के आरोप है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मेरा सफाई एक ही चीज है, ये बिल्कुल बेबुनियाद निराधार, जिसके अंदर कोई सच्चाई का तथ्य, जो कोई सच्चाई का तथ्य नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो आदमी ये ट्वीट कर रहा है, जो आदमी खुद इतने, क्या कह सकते हैं, डेंसली, हम तो कहते हैं अंग्रेजी में उसको कहते हैं डेंसली, जो घिरे हुए हो इन सब चीजों से, जो चार सीटेड हो, अगर वो हम पे लगाए तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और सुन लीजिए, हमारे ऊपर कोई चार्ज शीटेड नहीं है, कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है हमारे ऊपर आज के दिन में। और जिनके ऊपर जो हैं, जो अंदर हैं और जो अंदर जाने वाले हैं, वही लोग लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन में मेरे ऊपर कुछ नहीं है। और कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है, आपको बरी कर दिया है क्या? कोर्ट कुछ था ही नहीं तो कोर्ट तो बरी करेगा ही, अगर कुछ रहता तब ना। अगर कुछ नहीं था तो बर्खास्त क्यों किए गए थे आप पार्टी से? देखिए, ये सब चीजें कभी कभी, मतलब क्या बताएं, मतलब ये सब सवालात उससे रिलेशन नहीं है। सवालात ये है कि हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं। सर, ये तो आपका दावा है, लेकिन मामला तो कोर्ट में अभी भी लंबी तो मामला कोर्ट में लंबी तो उसका इंतजार कर लीजिए ना आप, उसके बाद सवाल कीजिएगा। जब मामला कोर्ट में लंबी था तो आप इंतजार कर लीजिए ना, अभी कैसे आप अचीव, आप कैसे, आप सुन लीजिए, आप सवाल ये है, एक सवाल ये है, सवाल एक ही है। आप लोग खुद अगर अपना इंफ्रा ड्रॉ कर लें तब तो कोई बात ही नहीं है। हम जब एक सवाल में जवाब दे दिए, इसके आगे कुछ नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। आपकी पत्नी की मौत के मामले में भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उसमें भी आपके साथ। अच्छा भाई साहब, क्या जवाब दे भैया? अब बताइए, अगर उनकी पत्नी के बारे में हम अगर ब्लेम करें तो ये आपके इमोशनल, ये सब तो आप एक ऐसा, वो जो आदमी ने लगाया है, हमें लगता है कि वो इस युग का आदमी नहीं है, ना संस्कारी है, ना संस्कृति ना सभ्यता जानते हैं। हम आपको बताते हैं, उनके ऊपर हम लीगल नोटिस दे रहे हैं और 50,000 का मानहानि दावा हम कोर्ट के थ्रू दावा, 50,000 करोड़ का दावा हम उनको ठोक रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री कट सी कॉल था भाई, और कुछ नहीं था। पिछले 7 महीने से स्कूल बंद है, प्राइमरी स्कूल जो है उनको खोलने के लिए क्या है, क्या प्लानिंग है आपकी? आप जरा हमको ऑफिसर से मीटिंग करने लीजिए। स्कूल बंद है, देखिए सुन लीजिए, अब हो गया, अब आइए सब्जेक्ट शिक्षा के ऊपर आइए। कोई पूछ रहा है स्कूल कब खुलेंगे? देखिए सुन लीजिए, देखिए अभी कोरोना काल है, ये ऐसी महामारी है जो पूरा विश्व इससे घबरा गया है। सरकार ने जो कदम पहल की है उस पहल पे अभी हम लोग अमल करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो जो हमारा, अगर हम कोरोना का भगवान करें, जिस तरह से बिहार अभी सुरक्षित है और बिहार में जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी है इसी तरह भगवान अगर बरकरार रखेगा तो हम लोग ये प्रस्ताव हम लोग उस पर विचार करेंगे और सरकार अपना फैसला लेगी। इसलिए उसके लिए भी तो समय दीजिए बात करने का। आज हम बैठे हुए हैं और आप ये सवाल कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, नियुक्ति शिक्षकों के बारे में जो पहले से धारणा, उनको कैसे संतुष्ट करें?
अब आप देखिए ये ऑफिशियल्स क्वेश्चन है, अभी हम जब तक कोई फाइल देख करके कुछ बात नहीं करेंगे तो कंक्रीट आंसर देने में असमर्थ है सरकारी। और हम आप लोग से यही निवेदन करेंगे, सुन लीजिए मेरा एक मैसेज सबको जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा, हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं, सुन लीजिए भैया, हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं, हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के हैं, बड़े सकारात्मक सोच के हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं सरकार के तरफ से जितना भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत होगी हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू सब चीज के लिए तैयार हैं, और हम आपको मंत्री के नाते विश्वास दिलाते हैं ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है जिसको हम लोग टर्न नहीं कर सके और पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। धन्यवाद। लेकिन आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को भी मदद करने की जरूरत है, आप लोग मदद करें, और हम बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, हम बुलाते रहेंगे बात करेंगे।